अभी एक कहानी में ट्विस्ट है, अभी हम टेस्ट करवाते हैं और दिखाते हैं आपको। हाँ पहले थोड़े टी में हमारा बहुत करीब बाजू पूछियो मने कितना आवे तो नदी दिवन देख के अंचल जगह। तो यहाँ पे फ्राइज हमारे डीप फ्राई हो रहे हैं। पिछले कल जैसे मैंने बताया था कि ट्रिप के लिए मतलब कोविड रेगुलेशंस और वो सब शॉर्ट आउट करना है, लेकिन वो चीज़ें अब बदल गई है। वैसे मैं रैपिड टेस्ट करवाने जा रहा हूँ अभी तो, और आबू का जो ट्रिप मैंने प्लान किया था पहले वो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ पुष्कर तक, ठीक है, क्योंकि पुष्कर वाला ट्रिप की यार कैंसिल नहीं करना है। अब जा रहे हैं तो जाएंगे, अब वहाँ पे बेसिक होली करने के आए कि कुछ भी करने को आए, क्योंकि सौरभ भी आ रहा है और ध्रुवीन जो हमारे साथ आ रहा है, तो हम दोनों तो बाइक लेके जा रही है। अब सौरभ ने अपना टिकट कैंसिल करवाया था पहले, लेकिन अब बोल रहा है कि वापस मैं आ रहा हूँ बस में, तो कोई नहीं चल चलते हैं। पहले कोविड टेस्ट करवाना है और अर्बन हेल्थ सेंटर में जा रहा हूँ और आपको भी बताऊँगा कि मतलब कैसा रहता है क्या रहता है, आपने करवाया होगा कि नहीं करवाया मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं करवाऊँ तो मैं दिखाऊँगा। चलिए तो यहाँ पे मैं अर्बन हेल्थ सेंटर पहुँच गया हूँ। अब यहाँ पे मुझे जो बेसिक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ रही है वो ये है, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आपका ये जो फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्म आप देख सकते हो टीवी टेस्टिंग का फॉर्म है, फिलअप करना रहेगा, ये आपको फिलअप करके देंगे, मतलब नाम हो गया, एड्रेस हो गया, बेसिक मतलब आपको बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछेंगे, और इसके बाद आपका ये फॉर्म हो जाने के बाद आपका यहाँ पे टेस्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे ये सारी स्ट्रिप्स है और इस तरीके से सारी प्रोसीजर है, तो चलो अभी हम टेस्ट करवाते हैं और दिखाते हैं आपको। ओके तो यहाँ पे ऐसा हुआ है, मतलब मेरा जो टेस्ट लिया आपको दिखाया मैंने जैसे, अब उसके बाद वो जो नीडल थी उसको यहाँ पे ड्रॉप किया गया है, और ये टेस्टिंग किट रहता है वैसे, इसके अंदर देखते हैं अभी क्या आता है, मुझे तो मेरा पता पहली बार है कि टेस्ट क्या निकलता है, अभी पूछते हैं भैया से। 5 मिनट लगता है, ठीक है, तो 5 मिनट के बाद और देखते हैं अभी क्या आता है टेस्ट। मेरा जब टेस्ट किया तब तुझे क्या लगा, तुझे करवाना है ये टेस्ट? नहीं मुझे नहीं करवाना, मतलब बहुत गंदी वाली फीलिंग। तूने तो करवाया भी नहीं है, तुझे कैसे लगा वो? ना मतलब मुझे देख के ऐसा लगा कि नहीं मुझे नाक में जो वो पतली सी सुई जो थी ना, मतलब जो प्लास्टिक की नीडल, ठीक है, बस थोड़ा सा 1-2 सेकंड का ही होता है, करवा ले। नहीं मुझे नहीं करवाना। क्या क्या बताया आपने? नेगेटिव रिपोर्ट है, नहीं ग्रेट सक्सेस। चलो अपना नेगेटिव रिपोर्ट आया है और ये रहा अपना, देखो इसमें कोई लगेगा मतलब नेगेटिव वाला स्टैम्प? अच्छा इसके पीछे ही है, देखिए ये मेरा पर्ची था और यहाँ पे पीछे लिखा हुआ यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट आपको दिख रहा होगा कि ये वाला सेकंड टिक मार्क। तो बस अपना रिपोर्ट हो चुका है, अपना रैपिड टेस्ट हो चुका है, अभी हम लोग ट्रैवल कर पाएंगे इजीली। सर टेस्ट करवाने से पहले से मेरे को पता था कि यार ये टेस्ट अपना नेगेटिव आने वाला है। अब एंटीबॉडीज बनने थे तो बन चुके और टेस्ट में भी नेगेटिव अब तो प्रूवन हो चुका है, तो अभी घर चलते हैं। पहले तो वैसे घर जाते टाइम हम लोग रुके बीच में यहाँ पे सब्जी लेने के लिए, बहुत ही ज़्यादा आपको सही रेट पे मिलेगा, सही रेट पे मिलेगा ना। अच्छा यहाँ पे आपको फ्रेश सब्जी मिल जाएगा पूरा का पूरा। सुबह के टाइम आओ तो आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि शाम को ज़्यादा क्राउडेड रहता है ये एरिया। सुबह लाओ फ्रेश लाओ फिर यहाँ पे का। अच्छा और कम भाव में बेचने का। हाँ मतलब स्ट्रेटेजी आपका सही है, मतलब मार्केटिंग वाला। हाँ। सबसे नज़दीकी सबसे बड़ा मार्केट है मानिकबाग एरिया का, ठीक है, तो बस चलो चलते फटाफट से घर को। घर पे आते ही एक चीज मुझे देखने को मिला है कि यहाँ पे बहुत जिस हो गए, जो भी आलू लाए थे हम लोग तो इन लोगों ने छील के रख दिए, अब पता नहीं ये लोग। मैं जा रहा हूँ अभी टेरेस पे, क्या सीन चल रहा है देखने के लिए। यहाँ पे ये लोग जो कल हम आलू लाए थे वो आलू सारे के सारे इन लोगों ने छील लिए, तो इसके देखो ये लोग ना 2 मशीन यूज कर रहे हैं, एक ये पतला वाला है और एक ये मोटा वाला है। इसमें तो देखो इसके थिकनेस तो बहुत है यार, ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ये वाली चाहिए, देखो हमें ये वाली चिप्स चाहिए इतनी पतली वाली। तो यहाँ पे हम चिप्स निकाल रहे हैं, ये वाला है हमारे प्रफुल्ल मामा का, ये उन्होंने दिया है एक्चुअली, ये निकालने का मतलब बोल सकते हो आप मास्टर वाला है, ठीक है, ये बड़ा वाला है, सकते हो आप ये बड़े किचन में यूज़ होता है ये वाला है मशीन, और इससे पतले चिप्स निकाल रहे, दिखा एक तो ये पतले तुम जैसे कि मेरी उंगली भी आर पार दिख रही है इसमें, इतने पतले चिप्स निकल रहे ये। ये सुनना चाहिए आपको थोड़ा, ये पेलो धुलेटी नदी हो पुष्करमा। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ पहले धुलेटी में हमारा बॉन्ड करीब बाजू पूछियो मने कितना आवे तो नदी दीवन देख के अंचल जगह। हाँ એટલે જવાનું પેલું કરતા હોય તો વિચારજો કે ભાઈ એ તમે જે ઉદ્દેશથી જવાનું કહો છે ત્યાં લૂંટ નહીં થાય પછી। બરોબર પુષ્કર જાને કા જો પૂરા પ્લાન ચલ રહા થા ભાઈ સાહેબ।
पुष्कर पुष्कर हो गया। घर वाले कब से बोल रहे कि जब भी तू कोई प्लान बनाता है, मतलब उसको प्री प्लान करता है एक महीने से पहले, दो महीने पहले, मतलब एक वीक से भी पहले अगर तू प्लानिंग कर रहा है तो वो हमेशा फ्लॉप ही जाता है। इसलिए मैं अनप्लान ट्रिप करता हूँ, बाइक निकालो, निकल पड़ो, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी पुष्कर का तो कैंसिल ही रखता हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ चलो ट्रिप को ड्रॉप ही कर दो यार, देखा जाएगा, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप जुड़े रहेगा हमारे चैनल पर। बहुत सारी मेहनत के बाद यहाँ पे चूल्हे पे उसको उबालने के बाद देखो इसमें अभी भी सारा झाग पड़ा हुआ है, वहाँ पे सफाई हो रही थी, और यहाँ पे बन चुकी है हमारी वेफर इतनी सारी, पूरा टेरेस भर चुका है इससे। मुझे लगता है पूरे साल भर का स्टॉक बना दिया है हमने। वैसा ऐसा होता नहीं है, कभी बनाते हैं मतलब दो महीने का, डेढ़ महीने का, लेकिन ये तो पूरा साल भर का स्टॉक बन चुका है यहाँ पे। ट्रिप की डिस्कशन करते करते बज गए हैं शाम के 6 और बन रहे हैं यहाँ पे हमारे फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। तो बना रहे हैं यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज, इसमें कागज रखते हैं क्योंकि पेपर हमें मिले नहीं। वैसी पेपर नैपकिन ऐसी चीज़ है जो एंड टाइम में मिलती नहीं है, और जब नहीं चाहिए होती है तब ऐसे ही पड़ी रहती है। तो इतने हमने इसमें ये क्या लगा रखा तुमने? ओरेगानो चिली फ्लेक्स। ये कहाँ पे? कंट्रोल लगा के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्राइज हमारे डीप फ्राई हो रहे हैं, देखो टेस्ट चाहिए तो थोड़ा हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दौड़ लेंगे, क्या है थोड़ा सा खाएंगे और फिर जाएंगे हम लोग दौड़ने के लिए। और पता चला है कि यहाँ पे पंखा हमारा बंद हो चुका है। मैंने स्विच से ऑन ऑफ करके भी अच्छे से घुमा के इसको ट्राई किया, लेकिन फैन इज नॉट वर्किंग, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। अभी आ गया हमारा पंखा रिपेयर करने के। परेश भाई को आपने देखा होगा पेट्रोल वाले वीडियो में, जहाँ पे हमने कार को बाइक को हमने डीजल वॉश किया था। परेश भाई क्या हुआ दिक्कत इसमें? ऑयल कैपेसिटर गया है। अच्छा क्या बात है, इसका कैपेसिटर ना पूरा पंखे में लपेट गया। अभी लगता है जाना पड़ेगा ऑयल मतलब कैपेसिटर लेने के लिए, तो बाजार जाएंगे कैपेसिटर लाएंगे, पंखे में लगाएंगे, फिर आएगी हवा। यार होंडा वाले क्यों नहीं देते ये चीज़, वन टच स्टार्ट, कितनी ईजी चीज़ है ये। हमारे एरिया की सबसे नियरेस्ट इलेक्ट्रिक शॉप पर, और जहाँ से हमने लिया है, क्या लिया दिखाओ? ऑयल कैपी। हाँ ये ऑयल कैपेसिटर है जिसकी वजह से हमारा पंखा बंद हो चुका, ठीक है। ओके तो घर से निकल चुके हैं हम लोग रनिंग के लिए, जाएंगे फटाफट से दौड़ेंगे क्योंकि हमारे दो खास दोस्त मिलने आ रहे हैं हमें। एक है जो पेट लवर है और जो क्लोथिंग डिज़ाइन करते हैं, और दूसरे हैं वही सिनेमेटोग्राफर जो हमारे साथ ट्रिप पे आने वाले थे, लेकिन ट्रिप ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है हमारा। तो कोई नहीं, चलो मिलेंगे, आपको भी मिलाएंगे। तो मैंने IIM फिक्स किया है मिलने की जगह, तो फिर IIM जा रहे हैं अभी हम। अभी मैं हूँ सोसाइटी के बाहर मानिक बाग, और जा रहे दौड़ते दौड़ते हम लोग IIM, तो पहुँचते हैं चलो फटाफट से। आ गया हूँ यहाँ पे IIM, और दिखाता हूँ थोड़ा IIM रोड आपको। जैसे कि नारियल पानी भी यहाँ पे मिल जाता है, अगर रनिंग करने शाम को आता हो फिर भी कोई टेंशन नहीं है, सारा का सारा यहाँ पे फ्रूट सैलेड एनर्जी ड्रिंक सब मिल जाता है, ठीक है। सबसे फेमस IIM फूड कोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए चारों को जितनी गाड़ियाँ लगी हुई है ना, वहाँ पे छोटी छोटी छतरियाँ दिख रही है, छतरी होगी फिर आगे की हो रही है। सारी छतरियों पे मतलब बहुत सारे फास्ट फूड मिलते हैं, जैसे कि आप छोले कुलचे ले लो, मैगी ले लो, चाय ले लो, पकौड़े, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। वैसे ये बंदा आ गया, ठीक है, कैसा है इधर? मस्त, एकदम एकदम बढ़िया। चलो हाँ अभी चलेगी थोड़ी सी चर्चा और डिस्कशन, में आपको बताऊंगा ध्रुविन के बारे में, थोड़ी सी बताऊंगा आपको बात। पता ना हमारी ट्रिप, वैसे हमने पहले सब कुछ फिक्स करके रखा, अब ध्रुविन बताएगा कैसे रून हुआ हमारा ट्रिप, ठीक है। पूरा हमने पूरा प्लान किया था कि हम जाएंगे बाइक पे, पुष्कर जा रहे बाइक पे, यहाँ से माउंट आबू जाएंगे, फिर माउंट आबू होल्ड लेके फिर वहाँ से पुष्कर जाएंगे। लेकिन ये कोविड की वजह से वहाँ पे सेक्शन 144 लगा। इसने ना रिपोर्ट भी करवा के रखा, जैसे मैंने करवाया ना वैसे इसने भी रिपोर्ट करवा के रखा, सारा प्लान सब रेडी था। फिर बोला कि यार अब तो 144 लग चुका है, अब क्या करेंगे जाके, बोला प्लान ही ड्रॉप कर दो। फिर एक और प्लान हुआ, मैंने सोचा कि रात को मैंने फोन किया, अभी जैसे कि रनिंग में निकला मैंने फोन किया परेश भाई को बोला, परेश भाई इधर खुला है? तो बोला परेश भाई ने बोला कि इधर और पोलो फॉरेस्ट दोनों इतनी गर्मी है कि आप आओगे तो पक जाओगे, हम लोकल है फिर भी जा रहे हैं बाहर। तो बोला सारे के सारे प्लान यहीं पे फ्लॉप हुए। तो मतलब आज का दिन तो बड़ा ही मतलब बेकार था यार, बहुत बेकार था आज। ऐसे ही बैठे बाईपास कर रहे हैं। सही है। तो फिर यार देखो आज का दिन तो बेकार गया है, लेकिन कल का नहीं जाएगा, कल कुछ धमाल करेंगे, ठीक है। कल अच्छा कंटेंट देंगे आपको, ठीक है, ये वादा है। और हाँ आज का वीडियो मैं यही पे एंड करता हूँ क्योंकि बज रहे 8:30, दौड़ के मुझे घर का भी जाना है और फटाफट से एडिट भी करना है, ठीक है। चलो तो फिर मिलेंगे, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है, विदाउट सब्सक्रिप्शन मत देखना, ठीक है। चलो तो फिर चलते हैं।